हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड में काम करने का हर किसी का एक सपना होता है। हर साल कई स्टार किड्स की इंडस्ट्री में एंट्री होती है, लेकिन ऐसी कुछ ही एक्ट्रेस होती हैं जो अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेती हैं। उन्हीं में से एक नाम है फिल्म दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार से इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस ज़ायरा वसीम का, जिन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर बॉलीवुड को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया। और ना सिर्फ ज़ायरा बल्कि बॉलीवुड में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो अचानक ही बॉलीवुड छोड़कर चली गई। अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको उन एक्ट्रेसेस के नाम। आयशा टाकिया। साल 2009 में आई फिल्म वांटेड से आयशा टाकिया ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस फिल्म में वो बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के साथ नजर आई थी। बता दें कि इसके बाद उन्होंने सपा नेता फरहान अजमी से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मयूरी कांगो। 90 के दशक की हीरोइन मयूरी कांगो ने फिल्म नसीम से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई और फिल्म पापा कहते हैं से बॉलीवुड में नाम कमाया। मयूरी का फैन बेस उस वक्त बन ही रहा था कि उन्होंने अपना करियर खत्म करने का फैसला कर लिया। बता दें कि साल 2003 में एनआरआई से शादी करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली। ममता कुलकर्णी। 90 के दशक में अपनी बिंदास अदाओं और खूबसूरती के लिए चर्चित रही ममता कुलकर्णी अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई थी। बता दें कि उन्होंने बॉलीवुड में 1992 में फिल्म तिरंगा से कदम रखा था। इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी एक्टिंग से एक अलग पहचान बनाई थी, लेकिन साल 2000 में ही उन्होंने किसी वजह से बॉलीवुड से दूरी बनाने का मन बना लिया। बता दें कि इनके अलावा स्नेहा उलाल, भूमिका चावला, किम शर्मा, सोमी अली जैसी एक्ट्रेसेस के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने अचानक ही बॉलीवुड को टाटा बाय बाय कह दिया। वेल, आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।